आप इतने नाकाम एमपी है, 6 साल के अंदर एक टाइम भी केसीआर को उल्टी नहीं लाया, और इतनी भी गुलामगिरी छोड़िए, केसीआर के तलवे चाटना छोड़ो। आप बातें करते ये बोलते कि गाड़ी का स्टेयरिंग मेरे हाथ में है। कहाँ है असद भाई, गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आपके पैजामे का नाड़ा केसीआर के हाथ में है। आप तो भी जागो, मासूम कमज़ोर आवाम को कब तक दीवाना बनाएंगे आप लोग, कब तक गुलामगिरी करेंगे आप टीआरएस की और केसीआर की? और आप और आपकी पूरी गवर्नमेंट और यहाँ के एमपी साहब इतने बेशरम बन गए, गरीब और मासूम आवाम ये बात बोल रही, उस्मानिया गांधी कोठी हॉस्पिटल जाने से अच्छा घर में मर जाना अच्छा है। और आप लोग वहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के प्रेस पे रह के बड़े बड़े बातें करते, आप आइए, मैं आपको चैलेंज लगा रहा हूँ, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या एमआईएम पार्टी, आइए उस्मानिया में ठहर के बात करेंगे। ये है केसीआर की हुकूमत, हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल की हकीकत, केसीआर केटीआर इटल राजेंद्र और खुसूसी हमारे असदुद्दीन साहब, आप आपके चश्मों का नंबर बदलो या अपना नज़रिया बदलो, नहीं दिख रहा आपको ये सब? छोड़ो केसीआर की गुलामगिरी, आप इतने नाकाम एमपी है, 6 साल के अंदर एक टाइम भी केसीआर को उल्टी नहीं लाया। यह है केसीआर की हुकूमत, हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल की हकीकत, केसीआर केटीआर इटल राजेंद्र और खुसूसी हमारे असदुद्दीन साहब, आप आपके चश्मों का नंबर बदलो या अपना नज़रिया बदलो, नहीं दिख रहा आपको ये सब? छोड़ो केसीआर की गुलामगिरी, आप इतने नाकाम एमपी है, 6 साल के अंदर एक टाइम भी केसीआर को उल्टी नहीं लाया, और इतनी भी गुलामगिरी छोड़िए, केसीआर के तलवे चाटना छोड़ो। आप बातें करते ये बोलते कि गाड़ी का स्टेयरिंग मेरे हाथ में है। कहाँ है असद भाई, गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आपके पैजामे का नाड़ा केसीआर के हाथ में है। आप तो भी जागो, मासूम कमज़ोर आवाम को कब तक दीवाना बनाएंगे आप लोग, कब तक गुलामगिरी करेंगे आप टीआरएस की और केसीआर की? हार्ट का प्रॉब्लम है और क्या, ये गिर गया हाथ पर, हार्ट का दे रहा था कुछ कुछ देख रहा था, हार्ट में क्या चल रहा है कुछ देख रहे थे, और डॉक्टर को बोले आके देखो जाओ बैठो जाओ, तो हार्ट का प्रॉब्लम है, एक जन डॉक्टर आके लेकिन जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको अभी टीवी वी का वो लगा के रखना, दिल की धड़कन कैसा चल रही, क्या है आज कुछ भी ट्रीटमेंट सीधा नहीं कर रही। मेरी क्या परेशानी है, मेरे मामी कल डेड हो गया, खाली क्वारंटाइन की रिपोर्ट जो है ना हफ्ते के दिन करे, खाली आ रही बल्कि सुबह से कल भी जो है ना आधे दिन भिजाए, नीचे ऊपर करे, फिर जो है ना अभी भी सुबह में बोले 11 बजे रिपोर्ट आया थी, बोले चंदन गुट्टा पीएस में साहब। देखो मैं परसों वालदा को लेके आया, फिर वालदा गिर गए, आपको करोना होगा, कोई हाथ नहीं लगाए, घुटने के बल मार, सर पे मार, पूरे गिर गए, तो मैं अकेला वालिद साहब पैर में राठे रख के हमका पूरा चेयर लेके आए, चेयर देने में राजी नहीं है, नहीं हमारा नहीं है चेयर, ढकल दे रहे हैं लोग, इतना क्या बोल रहे पेशेंट का इलाज करो, तो हम टेस्ट आए थे कि इलाज मर गया तो भी नहीं करते, बोले परसों सर साहब को फोन करा, हम भी फोन रिसीव नहीं कर रहे साहब। सुनिए आप क्या बोल रहे बाजिक से, हो जाता रिपोर्ट नहीं है तुम्हारी, किसको फोन कर रहे हैं आप बोलो, मेरी खेरी का याद है 24 घंटे हुआ डेट है, फोन अच्छा साहब को फोन करा, मैं साहब को फोन कर दिया, वैसा हुआ ऐसा हुआ, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है, ये भी रिपोर्ट आती ढहरों का, कब आती साहब रिपोर्ट? 0 उस्मानिया हॉस्पिटल में 0 फैसिलिटी है, हर किसी तक एक ही कंप्लेंट है, हम हॉस्पिटल को आ रहे हैं तो कोई आके पूछ रहा नहीं, डॉक्टर खरीद नहीं आ रहे, टेस्टों की रिपोर्ट नहीं आ रही, कब्रस्तान बना हुआ है हॉस्पिटल,
सीधे में लेके आए उनको, 9 बजे ले लेके आए हम लोग। हाँ खाली एक्सरा निकाले बाद में यहाँ से जाओ बोलते तो ले लेके आए। दिला रहा हूँ डाल दिए, खाली ग्लूकोज चढ़ा दिए कि खत्म होगा, एक इंजेक्शन दे दे के तड़प रहे। तो डॉक्टर है ना, कौन है इधर देखने वाले, दुनिया का परेशान हो रहे देख रहे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं नौपुरी के दवाना का रहने वाला रईस खान बोल रहा हूँ। मेरी मामी की डेड बॉडी 2 दिन से फिरा रहे हैं, अब देते वो रिपोर्ट नहीं आ रही, हमारी डेड बॉडी हमारे दिए तो हम कुछ ही करते हैं। तो आप हिसाब से आप कर लो, अगर नॉर्मल हो तो हम हमारे तरीके से हम कर लेते। बस इसी गुजारिश है, यहाँ मरने से अच्छा घर में मौत आ जाना। बस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भाई, मेरे को मेरी डेड बॉडी मिल जाना बस। ये दवाखाने से तो अच्छा घर में तड़प के मर जाना अच्छा है, उतना लापरवाही हो रही है दवाखाने में। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई पूछ रहा, ना पूरा शहर बर्बाद हो जा रहा, तबाह हो जा रहा। लोग फामोजों में है, सुकून से अच्छा आदमी आगे मर जा रहा भाई, और कुछ भी नहीं। फिर आदमी आ रहा आगे मर जा रहा, ऐसा क्या। हमारी डेड बॉडी हमारे होना साहब, कल से रिपोर्ट नहीं आ रही, आरएमओ साहब कहने जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। ऊपर कल तो हुआ, एक हफ्ता नहीं हुआ डेट होके, कल हुआ तो उनका काम क्या है, कैसे ढकना ना कैसे क्या है कि नहीं, मैं हम किसको पूछना, अरे आवाम किसको पूछना जाके। वहाँ सामने हमारा अपना दर्श नहीं सुना, तुम किसके सामने सुनेंगे, वजह क्या है हमारा, तो हमारा भल्ला। उसके बाद हमने आप हमारी जमात है, प्राइवेट दवाखानों में तो ले रहे नहीं, दवाखानों में तो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, प्राइवेट में गए तो बेड से भगा दे रहे। अब करना क्या, घरवाली मर गई, उन्हें मरे तक उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी क्या बीमारी है, ये कहीं को भाई ले रही वो तो होना। हाँ कुछ भी नहीं, खाली इंजेक्शन दे रहे हैं, भाग रहे हैं इंजेक्शन दे रहे हैं, आदमी में बिचारी सड़क सड़क के मर गई। डेड बॉडी सड़ लिया, 24 घंटे होगा, 24 घंटे 25 26 27 घंटे होगा। उनके अदालत में सुनिया साहब, मगर उन्हें ऊपर वाला सुन लिया, किसी का खात्मा हो जाएगा, पूरा का किसी को नहीं तक सुनना ऊपर वाला, कम से कम ऊपर वाला करते रहो, अल्लाह करते रहो, अल्लाह की सबको जाना बहुत बड़ा है, आज में कल मरना है सबको मरना है। अल्लाह आप यही काम करिए, अपने बॉडी में बोल दो लेके जाते हैं, आज ऐसे कोई लीडर घरों के बाहर नहीं निकल रहा। ये डेड बॉडी कब दे, नसीब बेगम, नसीब बेगम डेड बॉडी साहब, बॉडी को तंग करे तो पॉजिटिव बनाया जाए, रखना ये है हाल हकीकत हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल का। KCR साहब, KT रामाराव साहब, हमारे रिटेलर राजेंद्र साहब और यहाँ के MP असदुद्दीन साहब, आप हकीकत जान करके बात करिए। यहाँ की आवाम तड़प जा रही, आप आए तो इलाज नहीं कर सक रहे, डॉक्टर खरीब नहीं आ रहे, आप लोग यहाँ पहले टेस्टा नहीं कर रहे, टेस्टा करें तो रिपोर्ट नहीं दे सक रहे, और आवाम परेशान। और उसके बाद में मर गए बाद जिंदा कोविड को तो आप नहीं मदद कर सक रहे, मर गए बाद लाशा नहीं दे सक रहे आप। एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो बात बोल रहा है कि उस्मानिया में सही ट्रीटमेंट हो रहा, अगर से 50 बेड़ा है तो 100 के ऊपर लोग है पेशेंट। ऑक्सीजन के लाइना नहीं है आपके पास, वाइटल पार्ट्स ऑपरेट करने के लिए आपके पास मशीना नहीं है, डॉक्टरों की तादाद कम है, नर्सों की तादाद कम है, राइट स्टाफ की तादाद कम है आपके पास, हर चीज़ आपके पास कम है। मैं KCR साहब को बोलता हूँ, सेक्रेटरीट बनाने की क्या ज़रूरत है, 1000 करोड़ रुपये लगा के आप मेडिकल को देते थे, आप हॉस्पिटलों को देते थे, पब्लिक हेल्थ को देते थे, आप 13 दिन से तो गए हैं CM साहब, और आप और आपकी पूरी गवर्नमेंट और यहाँ के MP साहब इतने बेशरम बन गए। गरीब और मासूम आवाम ये बात बोल रही, उस्मानिया गांधी कोठी हॉस्पिटल जाने से अच्छा घर में मर जाना अच्छा है। और आप लोग वहाँ पे TV चैनल के ऊपर बैठ के प्रेस में रह के बड़े बड़े बातें करते हैं आप, आइए मैं आपको चैलेंज लगा रहा हूँ, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या MIM पार्टी, आइए उस्मानिया में ठहर के बात करेंगे। अगर से आप एक भी पेशेंट सही बोल दिया तो मैं आप जो बोले वो करने को तैयार हूँ, ये हाल हकीकत है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज, दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, एकेडमिक एक्सीलेंस विद रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल फर्निश्ड एंड हाइजीनिक क्लासरूम्स। I'm Partha Sardi, principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College, marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab.
separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Jaini Award in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.